दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकले तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकले तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।